Click on the bell icon to watch our latest videos. तो गंगा दिखती कैसी है? तो गंगा का पौराणिक काल में गंगा का वर्णन बहुत हुआ है जी। और अगर आप मंदिरों में जाओ तो गंगा की मूर्ति सब द्वार पे रहती है हमेशा, या सिटी के गेट्स में होते हैं ना, तो गेट के पिलर के पास होगी ये मूर्ति। और ये मूर्ति में दिखाया गया कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस शी इज़ वोलप्चुअस एंड फिकंड, तो ये एक वर्णन है। और शी इज़ ऑलवेज अशुड विद डॉल्फिन या मकर। अच्छा, तो मकर राशि जब हम कहते हैं, मकर कैप्रिकॉन जिसको कहते हैं, तो दैट इज हर व्हीकल। और कैप्रिकॉन इज अ वेरी स्ट्रेंज क्रीचर, मतलब उसका जो टेल पार्ट है वो मच्छी के जैसे होते हैं, मत्स्य के जैसे होता है, और हेड पार्ट है इज समथिंग लाइक अ एलिफेंट। तो सम रैशनलिस्ट जो लोग होते हैं कहते हैं कि शायद ये गंगा के डॉल्फिन होते हैं। आपको पता होगा गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन होता है, स्पेशल गंगा डॉल्फिन जिसको कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, शायद गंगा उसके ऊपर बैठती है। ये एक है, उनके हाथ में हमेशा घड़ा होता है, पानी का घड़ा। सो बेसिकली अ ब्यूटीफुल वुमन होल्डिंग अ पॉट जो मगर के ऊपर बैठी हुई है। और कुछ लोगों का मानना है कि मगर एक्चुअली मकर और मगर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। तो डॉल्फिन को वो मगर मतलब क्रोकोडाइल और मकर मतलब कैप्रिकॉन, तो वो उसको क्रोकोडाइल के साथ भी जोड़ते हैं। तो अगर आप फोक इमेजेस देखें तो दिखाएंगे गंगा एक क्रोकोडाइल के ऊपर बैठी हुई है। सो ये उनका वर्णन है। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।